जब कोई थाने जाता है तो कम अज कम ही शुड नॉट फील हेजिटेंट. दे शुड फील लाइक दे आर गोइंग टू अ प्लेस वेयर देयर कुड बी समबडी वुड बी वेरी फ्रेंडली विद देम. दे आर सपोज टू बी फ्रेंडली एंड दे आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन. जो हमारा जो पैराफर्नल एरिया है या उनकी जो पुलिस स्टेशन स्टाफ से इनका, दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी एंड टू द SSP एडमिन. बेसिकली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिटी. अगर पर्चा हो जाता है तो फिर जाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाएगा. तो उस सूरत में उनको ये गाइड करना कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है, किसके पास जाएगी, उन्होंने किस से रब्ता करना है, फॉलो कैसे करना है अपनी तफ्तीश को, ये सारे काम जो हैं कम्युनिटी गाइड उनको बताएंगे. ये सारे 84 पुलिस स्टेशन में तैनात होंगे. जो पीक आवर्स हैं हमारे 10 घंटे, उसके लिए तैनात होंगे. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिमशा अवान. और मैं हूं मोहम्मद फाइक. नाज़रीन, कभी ना कभी हम सब में से किसी को भी कोई भी मसाइल दरपेश हो जाते हैं और बाज़ मसले ऐसे होते हैं कि हमें पुलिस स्टेशन का रुख करना पड़ता है, लेकिन हम थोड़ा घबराते हैं कि हमें किससे, हम किसके पास जाएँ, किसको अपना मसला सुनाएं, कौन हमारा मसला सुनेगा, या हमने आगे जो अपना फर्दर केस है वो कैसे चलाना है. बिल्कुल. और अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जब भी आप पुलिस स्टेशन आएंगे तो यहाँ पर आपकी रहनुमाई के लिए कम्युनिटी गाइड मौजूद होगा. कम्युनिटी गाइड कौन है, उसकी वर्किंग क्या है और वो किस तरह से आपकी रहनुमाई करेगा, आपको बताते हैं. आइए हमारे साथ. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CCPO लाहौर गुलाम में हूँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं. उनसे पूछते हैं कम्युनिटी गाइड के हवाले से. सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर कम्युनिटी गाइड के हवाले से बताइए कि इसका क्या मकसद था और इसकी क्या वर्किंग होगी? देखें, बेसिकली एक तासुर ये पाया जाता है कि लोग थाने जाते हुए घबराते हैं और लोगों के अंदर एक हेजिटेशन होती है कि थाने जाएंगे तो पता नहीं लोग फ्रेंडली तरीके से कोई डील करेगा या नहीं डील करेगा. तो कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो ये कि जब कोई थाने जाता है तो कम अज़ कम ही शुड नॉट फील हेजिटेंट. दे शुड फील लाइक दे आर गोइंग टू अ प्लेस वेयर देयर कुड बी समबडी वुड बी वेरी फ्रेंडली विद देम. तो कम्युनिटी गाइड जो है ना, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी. हैं तो ये पुलिस वाले, लेकिन दे आर रिप्रेजेंटिंग द कम्युनिटी एंड दे आर देयर टू असिस्ट द कम्युनिटी. अब इनका जो जो जॉब असाइनमेंट उनकी इस तरह से है कि जब भी कोई इंडिविजुअल थाने के गेट में एंटर होता है तो ये लोग उनको रिसीव करके उनसे पूछेंगे कि वो किस मकसद के लिए थाने पे आए हैं और फिर आगे अगर उन्होंने मुहर्रर से मिलना है या SHO से मिलना है या इन्होंने ड्यूटी ऑफिसर से मिलना है या फ्रंट डेस्क पे जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी है तो ये लोग उनको फैसिलिटेट करेंगे कि वो जाके अपनी जो भी उनका काम है वो दैट शुड बी डन. दूसरी बात ये कि दे आर सपोज टू बी फ्रेंडली एंड दे आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन. जो हमारा जो पैराफर्नल एरिया है या उनकी जो पुलिस स्टेशन स्टाफ से इनका, दे आर डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू मी एंड टू द SSP एडमिन. तो ये दो तीन चीज़ें हैं इनसे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं. बेसिकली दे आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कम्युनिटी एंड नॉट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पुलिस. थाने वाले तो ऑलरेडी पुलिस की नुमाइंदगी कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअली पब्लिक की नुमाइंदगी करेंगे, ब्रिज के तौर पे काम करेंगे. दे आर एक्चुअली यू नो टू 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 एक्ट एज अ ब्रिज भी ही काम कर रहा है. ये हेल्प डेस्क से कैसे डिफरेंट है? वो लोगों की कंप्लेंट्स वगैरह लेते हैं और उनको फिर रिकॉर्ड करते हैं अपनी जो कंप्यूटर्स के अंदर या जो भी हमारा एक्चुअली कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर. कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग की है आपने या इनको? तकरीबन पिछले एक महीने से ट्रेनिंग हो रही है और इनको स्पेसिफिकली इस जॉब के लिए ट्रेन किया गया है. सर थाना कल्चर बदल रहा है तो आपको क्या लगता है कम्युनिटी गाइड इसमें मामल साबित होगा? नहीं, डेफिनेटली. देखिए ना, यही तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि ये जो थाना कल्चर जिसकी हम बात करते हैं इसको किस तरह से एक्सपेडाइट किया जाए, इसमें तेजी ले. थाना कल्चर चेंज हो रहा है जी, हम लोग शायद इसको महसूस नहीं करते क्योंकि ये बड़ा ग्रेजुअली और स्लोली इवॉल्व कर रहा है. आज का थाने का जो कल्चर है वो आज से 10 साल पहले वाला कल्चर नहीं है. 10 साल पहले लोग थाने जाते हुए बहुत घबराते थे, आज लोग थाने जाते हुए कम अज कम घबराते नहीं है. सो दिस इज अगेन अनदर स्टेप. नाज़रीन, अब हमारे साथ DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान साहब मौजूद हैं. ये उनसे जानते हैं कि सर मुझे बताइएगा कि कम्युनिटी गाइड इन्वेस्टिगेशन में किस तरह मामूल साबित होगी? देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. दो किस्म के कामों के लिए लोग थाने आते हैं. एक तो कोई मसला होता है जिसमें पुलिस की इंटरवेंशन दरकार होती है, वो हो सकता है कि पर्चे की सूरत में उसका रिजल्ट निकले या हो सकता है बगैर पर्चे के मामला हल हो जाए. अगर पर्चा हो जाता है तो फिर जाहिर है वो इन्वेस्टिगेशन के पास आ जाएगा. तो उस सूरत में उनको ये गाइड करना कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह की जाती है, किसके पास जाएगी, उन्होंने किस से रब्ता करना है,
फॉलो कैसे करना है अपनी तफ्तीश को, ये सारे काम जो हैं कम्युनिटी गाइड उनको बताएंगे और उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने अपने केस का फॉलो अप कैसे करना है। सर, आवाम की बहुत सी शिकायत होती है इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो सही इन्वेस्टिगेट नहीं करते, तो ये जो कम्युनिटी गाइड हैं क्या इनको इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ा हेल्प करेंगे? ये देखिए, डायरेक्टली तो तफ्तीशी के काम में वो दखल नहीं दे सकते, लेकिन वो ये इन्फॉर्म तो कर सकते हैं ना उनको जिनका ये काम है कि वो इसको चेक करें, तफ्तीशियों को, मैं हूँ या एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है या एसपीज हैं, डीएसपीज हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशंस हैं, टीएस हैं बहुत सारे, तो अगर वो हमारे इल्म में आता है तो हम उसमें इंटरवीन करते हैं। और रोज़ होता है हमारे ऑफिस में कम्युनिटी गाइड्स एक और टीयर ऐड हो गया है जिसके थ्रू हमें इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई इशू आ रहा है तो उसके बारे में इत्तला मिल सकती है। सर, बाजू का ये होता है ना कि हमारी आवाम को इतनी भी अवेयरनेस नहीं होती कि एफआईआर कैसे कटवानी है, उसमें कौन सी पिनल पंजाब पिनल कोड के तहत कौन सी सजा है, तो ये कम्युनिटी गाइडर्स बताएंगे उनको? अगर पर्चा होना है तो वो एसएचओ के पास लेके जाएंगे जी, कंसर्न्ड ऑफिसर्स उनके पास लेके जाएंगे, फिर वो देखेंगे लीगली कौन सा सेक्शन उसमें रखना है, पर्चा होना है या नहीं होना है। कम्युनिटी गाइड ये देखेगा कि जो वो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, और एक तरह से फॉलो अप करेंगे, एक तरह से वो सपोर्ट करेंगे कंप्लेनेंट को जो कंप्लेंट लेकर आया है, तो इसलिए उसकी हेल्प हो जाएगी क्योंकि वो उनका रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे हमने कहा अभी पुलिस का नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेटिव। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डी आई जी ऑपरेशन साजिद कैनी साहब मौजूद हैं। साजिद साहब, ये मुझे बताएं कि ये जो कम्युनिटी गाइड्स हैं ये लाहौर के किन किन थानों में तैनात होंगे? ये सारे 84 पुलिस स्टेशन में तैनात होंगे जैसे सीसीपीओ साहब ने आपको बताया, और इनका जो पीक आवर्स हैं हमारे 10 घंटे उसके लिए तैनात होंगे, और ये समझ लें कि सारे थानों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट है। साथ साथ हमने इसमें ये इसमें मार्जिन रखा है कि कोई छुट्टी पर जाता है ताकि किसी पर कोई 10 आवर्स में कोई कमी ना हो, और इसके साथ साथ फिर इसमें बढ़ाया जाएगा कि इनकी शिफ्ट ज़्यादा, क्योंकि अगर ये अच्छा चलता है, रिजल्ट अच्छे आते हैं, फीडबैक अच्छा आता है, तो फिर 24 आवर्स के लिए हो जाएगा। अभी सिर्फ एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट है 10 आवर्स की 84 पुलिस स्टेशन के लिए। उस्मान, ये मुझे बताएं कि आप लोगों की स्पेशल कोई ट्रेनिंग हुई है इस हवाले से, बताएं कि किस तरह से आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, किस तरह से रहनुमाई करेंगे आवाम की? इसके लिए बेसिकली हमारी ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी पुलिस लाइन में, जहाँ पर हमें बेसिकली इसके बारे में बताया गया था कि क्या हमारे एस ओ पीज क्या होंगे, किस तरीके से हमने लोगों को फैसिलिटेट करना है, एक जो पुलिस स्टेशन में जो एक साहिल आता है तो उसको किस तरीके से हमने वेलकम करना है, देन फिर उसका जो भी इशू होगा किस तरीके से उसको एक थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू हमने उसका सारा जो भी इशू है उसको हमने सॉर्ट आउट करना है। जमशेद, जज्बा आपका जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसलिए आपको कम्युनिटी गाइडर बनाया जाए, ये जज्बा शुरू से आखिर तक कैसे ही रहेगा मेंटेन? जी, होपफुली जैसा कि आपने सीसीपीओ साहब को भी सुना है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग के थ्रू हमें सेलेक्ट किया गया है। अच्छा। वो जो कि ऑलरेडी उन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग में चार किस्म की कैटेगरीज थी कि वेल डिसिप्लिन, वेल कम्युनिकेशन, प्रोफेशनलिज्म, ऑनेस्ट, तो चूँकि हम सेलेक्ट होके आए हैं तो इंशाल्लाह मतलब हम इस चीज़ को मेंटेन भी रखेंगे। और जो इस इनिशिएटिव का बेसिक पर्पस था कि अवाम के लिए फैसिलिटेशन पैदा करना, कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट जो कि ऑलरेडी वेस्ट में मौजूद था तो उसको एक तरह से इधर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि अवाम जब थाना में आए तो उनको किसी किस्म की अजनबियत का एहसास ना हो। जब एक आम बंदा पुलिस स्टेशन में आके उतना ही कंफर्टेबल फील करे जैसा कि वो दूसरे सिविलियन अदारों में जाके फील करता है और अपना काम करवाता भी है और सेटिस्फाइड होके बाहर में निकलता है, तो तब इंशाल्लाह हम समझेंगे कि इस इनिशिएटिव का सक्सेसफुल है। जमशेद, हम दुआ करते हैं कि आपका ये जज्बा इसी तरह कायम हो, दायम रहे, और हमारे जो आने वाले साहिल हैं थाने में वो बिला झिझक यहाँ पर आएँ और अपने मसाइल इनको सुनाएं और ये उनकी रहनुमाई करें। जी नाज़रीन, जब आप पुलिस स्टेशन आएंगे तो यहाँ पर मौजूद कम्युनिटी गाइड आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एफआईआर की कॉपी दरकार है तो वो आपको हेल्प करेंगे, अगर आपको कोई मसला दरपेश है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा होता है, इस हवाले से अगर आपको कोई रहनुमाई हासिल करनी है तो आप उससे हेल्प हासिल कर सकते हैं। इसके साथ मज़ीद आपको बताते चलें कि अगर आपको कोई ट्रैफिक लाइसेंस के हवाले से मालूम हासिल करनी है तो उसके बारे में भी कम्युनिटी गाइड आपको मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। और इन शॉर्ट वहाँ से आपको जो पुलिस स्टेशन का गेट है उधर से लेकर आपको जो भी काम है, किसी से मिलना है, आपका कोई रिश्तेदार जो है वो जेल में बंद है उससे कैसे मिलना है, लड़ाई झगड़ा हो गया है और कोई ऐसी चीज़ें जो आपको इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई आपको हेल्प दरकार है कि इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से इस्तफसारात हैं आपके, उसके हवाले से भी आपको गाइड करेगा। इसी के साथ मुझे और इमशा को दीजिए इजाज़त, नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, और साथ में बताते चलें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।
और सेफ रहें सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफिज़।